मैंने आप लोगों से कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए बेसिक पॉइंट्स हैं, जिस तरह आप लोग रूल फॉलो करते हो, ये रूल है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप लोगों की ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए, आप लोगों ने इस तरह का काम करना है, ये करना है, आप लोगों के पास बुक हो और राइटिंग पैड हो, बॉल पॉइंट हो, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। अगर वो पॉइंट्स उस कंपाउंड में होंगे तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, अगर वो पॉइंट ना हो तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, ए साइक्लिक ना हो, यानी कि उनके जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है वो क्लोज्ड फॉर्म में हो, ओपन फॉर्म में ना हो। अगर ओपन फॉर्म में होगी इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हो। इसके बाद उसका दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों के पास जो पी ऑर्बिटल हैं जिनकी वजह से पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, वो ऑर्बिटल सारे के सारे जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे ऑर्बिटल जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन जिस तरह आप लोगों के पास जमीन हमवार होती है उसके ऊपर आप लोग चलते हो ना आसानी से, अगर कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं कहीं पर आप लोगों के पास जो है वो हमवार किस्म की जो स्ट्रेट रूट हो तो उस कंडीशन में आप लोग उस पर सही चल नहीं सकते। इसीलिए वो कहता है कि आप लोगों के पास जो पी ऑर्बिटल है, जो आप लोगों के पास साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड है, उसमें पी ऑर्बिटल जो हैं वो प्लेनर हों, एक दूसरे के ऊपर आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्लेन में होंगे तो उसी कंडीशन में उनके जो पी ऑर्बिटल है उनकी पैरेलल ओवरलैप, सॉरी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के जरिए इलेक्ट्रॉन की आसानी से मूवमेंट होगी, और अगर वो सेम प्लेन में नहीं होंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की आसानी से मूवमेंट नहीं होगी, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सिस्टम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, जो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो सेम प्लेन में नहीं है, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जो आप लोगों के पास पी ऑर्बिटल हैं वो आप लोगों के पास एडजेसेंट हो, साथ साथ हों, एक दूसरे के साथ अटैच हों, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास बेंजीन की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब इसमें जिस वक्त आप हम सबसे पहले लो वाले जो स्ट्रक्चर है उसको जिस वक्त चेक करते हैं उस कंडीशन में हर कार्बन पर पी ऑर्बिटल है, एक अनहिब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, और उस कंडीशन में उसमें कलर्ड वाला पोर्शन जो है वो सेम साइड पर है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल हैं वो सेम प्लेन में हैं, जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे सेम प्लेन में, और जिस वक्त ये सेम प्लेन में होंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि आप लोगों के पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्वांटिटी जो है वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन के इक्वल होनी चाहिए, अगर इससे कम या ज्यादा होगी इस जो फार्मूला है इसको अगर उस स्ट्रक्चर पर हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो इसको फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में वो एरोमेटिक होगा, अगर इस फार्मूले को वो ओबे नहीं करेगा तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर जो एन की जो एन है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास साइक्लिक रिंग कितनी है, आप लोगों के पास एक साइक्लिक रिंग है या दो साइक्लिक रिंग है या तीन साइक्लिक रिंग है, एन जो है नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग को इंडिकेट करता है। अब जिस वक्त आप लोग बेंजीन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये ओवरऑल जो है एक साइक्लिक रिंग बनती है आप लोगों के पास, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास एन की क्वांटिटी जो है वो वन है, और जिस वक्त आप लोग एन की जगह पर वन पुट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने फोर को वन से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें आप लोगों ने टू को ऐड कर देना,
जिस वक्त आप लोग 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और 2 उसमें ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो वाले ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उनकी क्वांटिटी 6 होनी चाहिए। अगर 6 से कम है या ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो एरोमेटिक नहीं है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, पाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 6 है तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड या बेंजीन जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, अगर ये जो 4 पॉइंट है, कोई भी स्ट्रक्चर इन 4 पॉइंट को फॉलो करेगी तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये पॉइंट जिस वक्त हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए एग्जांपल नंबर 23.100 जो है उसमें एग्जांपल सबसे पहली ए है, इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे कि आप लोगों के पास अनसेचुरेटेड सिस्टम जो है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, या ऐसा सिस्टम हो जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, वो सिस्टम डायरेक्टली किसी ऐसे एटम के साथ या फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, या फिर ऐसा एटम अटैच हो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, तो उस कंडीशन में रेजोनेंस होगी, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगी। अब जिस वक्त आप लोग एग्जांपल नंबर 1 को चेक करते हो तो उस कंडीशन में ये आप लोगों के पास अनसेचुरेटेड सिस्टम है। इसके साथ जो है राइट साइड पे आप लोगों के पास CH3 ग्रुप अटैच है। अब जिस वक्त हम CH3 ग्रुप को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में उसके पास ना ही लोन पेयर है, ना ही उस पर प्लस चार्ज है जो इंडिकेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है जो इंडिकेट करेगा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है। इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन इस अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा। इसके बाद आप लोगों के पास इस अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली जो है वो ये कार्बन अटैच है जो CH2 है, CH2। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसमें देखना है कि ये कार्बन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या उसके पास लोन पेयर है या नहीं। अब जिस वक्त इस कार्बन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी ना ही इस पर प्लस चार्ज है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पर तो वो इंडिकेट करेगा इस पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है, और ना ही ये सिस्टम जो है वो अनसेचुरेटेड है और ना ही इस कार्बन पर लोन पेयर है। इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन जो है इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद इस वक्त आप लोग बी स्ट्रक्चर को चेक करते हो। सर जो जी सर जो बॉन्ड है सर वो सर्कुलेट कर सकता है ना, इस पे आ सकता है, शिफ्ट हो सकता है सर इस पे सेकंड कार्बन पे, इधर से इधर शिफ्ट हो जाए। जी सर शिफ्ट हो रहा है सर, इसे हम रेजोनेंस नहीं कहते। शिफ्ट अगर ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं और 5 बॉन्ड कार्बन के पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है सिंगल सिंगल बॉन्ड के जरिए, और एक ये बॉन्ड उसने बनाया हुआ है और एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब है कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो चुके हैं, और जिस वक्त आप लोग इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप लोग इस कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बना रहे हो और 5 बॉन्ड बनाने पॉसिबल नहीं होते हैं। जी ठीक है सर। कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए इसकी रेजोनेंस फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जिस वक्त बी एग्जांपल को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाला जो सिस्टम है वो अनसेचुरेटेड है और इसके साथ डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजन अटैच है। अब नाइट्रोजन के पास हमें पता है लोन पेयर है, इसका मतलब है कि इसके लिए जो अनसेचुरेटेड सिस्टम के लिए
बेसिक पॉइंट्स चार जो थे उसमें से एक पॉइंट को ये फॉलो कर रहा है और उसको आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। जिस वक्त आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये चेक करना है कि इन दोनों में से ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसने किस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करनी, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो मूव करेगा और उस डायरेक्शन या उस एटम की तरफ मूव करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जिस वक्त हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, कार्बन की तरफ मूव नहीं करता। जिस वक्त ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक्सिस में, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर प्लस चार्ज आता है कार्बन पर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट किया है। जिस वक्त इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पर तो उस कंडीशन में ये कार्बन नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस वक्त ये लोन पेयर को, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट किया था वो इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन से हासिल कर लेता है। अब इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करवाया है वो नाइट्रोजन ने दिया है, कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वो मुकम्मल हो गई है, लेकिन नाइट्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर, जिस वक्त आप लोग इसकी सेकंड रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करोगे तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसकी सेकेंड रेजोनेंस फॉर्म होगी। इसके बाद जिस वक्त आप लोग इसको चेक करते हो, एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको जिस वक्त आप लोग चेक करते हो तो उस कंडीशन में इसकी रेजोनेंस फॉर्म जो एरो के जरिए शो की हुई है वो पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग लोन पेयर को शिफ्ट कर रहे हो इस कार्बन के साथ। अब ये कार्बन जो है उसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जिस वक्त ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, इसका मतलब है कि इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएंगे और 3 बॉन्ड उसने कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। अब कार्बन जो है 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसका मतलब है कि इसके रेजोनेंस फॉर्म ये वाले जो एरो के जरिए शो की हुई है वो पॉसिबल नहीं है, वो स्ट्रक्चर जो है वो इनकरेक्ट है, वो ठीक नहीं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने बाकी पॉइंट्स को माइंड में रखना है और उस कंडीशन में जितनी भी ये स्ट्रक्चर दी हुई है रेजोनेंस फॉर्म की उनकी टोटल रेजोनेंस फॉर्म ड्रा कर लें। जी ठीक है सर। ठीक है, चलें इसके साथ ये एग्जांपल दी हुई है एक 23.107 जिसमें एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें आप लोगों के पास ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ जो कार्बन अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवानी है, क्योंकि जिस वक्त मैंने आप लोगों को क्वेश्चन देना है उस कंडीशन में मैंने ये एरो नहीं देने, मैंने जस्ट ये बॉन्ड बनाया होगा और इधर चार्ज दिया होगा। इस तरह के आप लोगों के पास एग्जांपल आएगी और आप लोगों ने खुद ने एरो ड्रा करके उसकी रेजोनेंस फॉर्म ड्रा करनी है। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले यही जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको ही फॉलो करना है, जिसके जरिए आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। जिस वक्त हम कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड ने नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होना है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जिस वक्त ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज, इसका मतलब है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है, ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये जो पाई, ये जो दो लोन पेयर हैं, सॉरी एक लोन पेयर है जिसकी वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि जो कार्बन, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी वो इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद पूरी कर ली है, जिसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड होगा और इस नाइट्रोजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा और बाकी किसी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होगा और वो इसकी सेकंड रेजोनेंस फॉर्म होगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इनकी जो रेजोनेंस फॉर्म है वो ड्रा करनी है। इसके बाद आप लोगों के पास सिस्टम आता है कि सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आप लोगों ने ये चेक करना है कि वो कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल होगी वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, और अगर जिसमें रेजोनेंस नहीं होगी वो कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आमतौर पर कॉन्जुगेट सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें पहले आप लोगों के पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है और इसी वजह से इस तरह के सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, और ऐसे सिस्टम जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ना हो उनको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, या ये कहते हैं कि वो सिस्टम जो है वो ए कॉन्जुगेटेड है, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं। ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि कॉन्जुगेट कौन से और आइसोलेटेड कौन से। जी, सिर्फ आप लोगों ने ये बताना है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है। सर थोड़ा रिपीट कर दें काइंडली। मैंने कहा है कि अगर अल्टरनेट, सॉरी, मैंने कहा है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम है, यानी कि आप लोगों के पास ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में वो स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगी, और अगर उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है वो इंडिकेट होगा कि आप लोगों के पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। जिस तरह इसको चेक करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड है, फिर आप लोगों के पास डबल बॉन्ड आया, उसके बाद फिर आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड आया है, उसके बाद आप लोगों के पास फिर डबल बॉन्ड आया है। अब इस स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, इस तरह के सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आगे वाला जो सिस्टम है जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है उनको हम कहते हैं ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या ऐसे सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, आगे फिर ये भी सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है। अब इसमें तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, इस कंडीशन में हम इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं कहते। सर ये जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, सर ये बिटवीन कार्बन हो या बिटवीन कोई भी एटम हो सकता है? कोई भी एटम हो सकता है। आप लोगों के पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 23.107 है, 23.107
सेवन ये यस सर, इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर इसका ये अगर हमने इसका सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो कि सर ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो बॉन्ड उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है. अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं आएगा इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान. यस सर, लेकिन ये हाइड्रोजन तो दो बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता. जस्ट आप लोगों के पास ये पाई बॉन्ड कम्प्लीटली नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा. ये कार्बन और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा. ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन करेगा, गेन करने के बाद अपने पास ही रख लेगा. तो सर इसके पॉजिटिव चार्ज क्यों शो कर रहे हैं वो? उसने इसलिए शो किया हुआ है कि जिस वक्त इसके पास लोन पेयर था, क्योंकि लोन पेयर भी आप लोगों के पास आप लोगों को पता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है. इस कंडीशन में एनिलीन के आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी है ना, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जो अटैच होता है. यस सर, ठीक है. इस कंडीशन में जस्ट उसने जो बनाया हुआ है कि वो नाइट्रोजन है उसके साथ इसमें एक मिस्टेक है यहाँ पर, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ उसने एक और बॉन्ड बनाना चाहिए था. यस सर, वही तो नाइट्रोजन है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच होगा तब ये स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, अदरवाइज इसमें जो है मिसप्रिंटिंग है. इस नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, वो ऑलरेडी सैटिस्फाइड है, तो तीन चौथा बॉन्ड कैसे बना देंगे उसके साथ? उस कंडीशन में ये प्लस चार्ज पॉजिटिव कैसे बनाता है? उस कंडीशन में ये प्लस चार्ज के जरिए शो करता है, प्लस चार्ज के जरिए वो अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करता है नेक्स्ट बॉन्ड बनाने के लिए. यस सर, अगर हाइड्रोजन आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज जस्टिफाई होगा. इसके साथ नाइट्रोजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, वो स्ट्रक्चर में यहाँ पर बुक में यानी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी. इसमें आप लोगों के पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन अटैच है, उसके बाद इसकी एयर रेजोनेंस फॉर्म. सर ये प्लस सब चार्ज है ना, इसने लोन पेयर अपना डोनेट किया हुआ था पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसकी वजह से ये प्लस चार्ज नहीं है? इसने लोन पेयर डोनेट किया हुआ है इस वजह से इस पर प्लस चार्ज है, और ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच है. इस स्ट्रक्चर में मिस प्रिंटिंग है इस चीज की कि एक हाइड्रोजन शो किया हुआ है दूसरा हाइड्रोजन में नहीं है. क्लियर है सर? आप लोगों ने जब भी स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कंडीशन में इस नाइट्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन भी शो करना है. सर प्लीज दोबारा बताइएगा ये क्यों हाइड्रोजन आएगा? सर कुछ भी समझ नहीं आई. सर ये मुझे तो स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है सर. नाइट्रोजन जिस वक्त तीन बॉन्ड बनाता है उस कंडीशन में उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. और सर आप सही कह रहे हैं, जो लास्ट वाली एग्जांपल है ए वाली, उसमें वो थ्री बॉन्ड बने हैं लेकिन प्लस चार्ज नहीं है, तो सही है. इसमें प्लस चार्ज भी है तो एक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है वो आप लोगों के पास फिफ्थ ए ग्रुप फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको अपना वैलेंशियल कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम जो है वो तीन ही बॉन्ड बनाता है. ये आप लोगों के पास इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की है. ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है जिसमें से आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर गिवन है उसके जरिए इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है उसको शिफ्ट करवाया हुआ है. यहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर शिफ्ट होगा उस कंडीशन में ये पाई बॉन्ड जो बंजीन का है इसको एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट करवाया हुआ है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, और जिस वजह से इसका जो लोन पेयर शिफ्ट हुआ है जिसने बेंजीन रिंग के साथ ये नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, उस कंडीशन में इस कार्बन पर सॉरी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आया हुआ है, और उसने इसकी सेकंड फॉर्म जिसमें नाइट्रोजन पर जो है वो प्लस चार्ज जो है ये फॉर्म सॉरी
उसने डायरेक्ट नाइट्रोजन पर जो है वो प्लस चार्ज लिखा हुआ है और इसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड शो किया हुआ है और ये बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट करवा कर इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट करवाया हुआ है इस कार्बन को। इस तरह उसने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा की हुई है। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से इसकी जो है स्ट्रक्चर वो ड्रा करने है कि इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देना है, इस बॉन्ड को कार्बन पर शिफ्ट कर देना है। जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर जो है वो एनिलीन की एग्जैक्ट बनती है वो आप लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने थर्ड असाइनमेंट में सॉल्व करके जमा करवानी है और इसका सर ये सिर्फ रेजोनेंस में करने सिर्फ रेजोनेंस सर ये नंबर बता दे सेकंड असाइनमेंट को ये आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट कौन से 23.100 से लेकर 23.114 तक करनी है। आप लोगों का टोटल क्वेश्चन जो है वो 14 बनते हैं और आप लोगों के लास्ट डेट जो है वो फ्राइडे है। सर एक दफा रिपीट कर दे कहां से कहां आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो 23.100 से लेकर 23.114 तक है। थैंक यू सर। डेट बढ़ा दें सर। कैसेटर तक जमा करवा देना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का वो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक हाइड्रेट हम का वर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए, जिस तरह आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉर्मन क्लेचर में पढ़ा था कि जिस वक्त आप लोगों के पास कम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ वाटर अटैच थे तो उस कंडीशन में आप लोग हाइड्रेट का वर्ड यूज कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसका मतलब है कि हाइड्रेट का वर्ड आप लोगों को वाटर के इंडिकेशन देता है कि आप लोगों के पास इस स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होंगे, एक जो है वो वाटर पर कंजिस्ट करता है और दूसरा जो है वो कार्बन पर कंजिस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि आप लोगों के इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल है और इसके साथ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है और साथ में कार्बन भी है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन भी कहते हैं और इसका कॉमन फार्मूला जिसको हम आमतौर पर लिखते हैं तो उस कंडीशन में है इसका कॉमन फार्मूला जो है वो CH2ON होल का इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके बाद आप लोग N लिखते हैं। N जो है वो स्पेसिफिक नंबर है जिसको आप लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसकी स्ट्रक्चर बनती है। अब जिस तरह आप लोगों के पास पहली एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज की आती है तो ग्लूकोज को अगर आप लोग इस N को 6 कंसीडर करते हो और उस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनती है। इसका मतलब है कि अगर ये क्वांटिटी जो है N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी को बताता है या नंबर ऑफ ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बताता है या ये कह लो कि जिस वक्त आप लोगों के पास N की वैल्यू नाउन होगी तो उस कंडीशन में जस्ट आप लोग इस फार्मूले को मल्टीप्लाई करोगे N की वैल्यू से तो आप लोगों के पास कंपाउंड की कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर जो है वो आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास हासिल हो जाएगा। इस फार्मूले की मदद से आप लोग किसी भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद
कार्बोहाइड्रेट को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक मोनोसैकेराइड कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो सिर्फ सिंगल शुगर पर कंसिस्ट करती हो, जिसमें सिर्फ सिंगल शुगर हो, क्योंकि आप लोग ये कंसिडर करते हो कि शुगर जो है वो आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट है। उसके बाद शुगर जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर के कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। अगर वो सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल है तो उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड, अगर वो दो यूनिट पर मुश्तमिल है तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं डाइसैकेराइड, और अगर वो तीन से लेकर दस कार्बन पर मुश्तमिल है तो उस कंडीशन में हम उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और अगर 10 से लेकर ज्यादा सैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट करती है तो उस कंडीशन में हम उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। डाइसैकेराइड की एग्जांपल जो है आप लोगों के पास सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है। इसी तरह ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल है, और इसी तरह आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। मोनोसैकेराइड को डिफरेंट वे के जरिए, या बेसिक आप लोगों के पास मोनोसैकेराइड है, उसके बाद अगर मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड को कंबाइन करोगे तो आप लोगों के पास डाइसैकेराइड बनेगा। अगर तीन से दस मोनोसैकेराइड को किसी स्ट्रक्चर में आप लोग कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड बनेगा, और अगर इससे ज्यादा सैकेराइड को कंबाइन करके एक ही फार्मूले में लिखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड बनता है, और उसके साथ में एग्जांपल जो है वो गिवन है। और जिस वक्त आप लोग इसका नाम लिखते हो उस कंडीशन में मोस्टली इसके नाम के लास्ट में जो है ओ एन ई का वर्ड आता है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप या तो कीटोन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बोनाइल के साथ दोनों साइड पर जो है वो कार्बन अटैच होगा, या फिर इस ग्रुप के साथ अल्डिहाइडी ग्रुप होगा। कीटोन ग्रुप का और अल्डिहाइड ग्रुप को आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि कीटोन ग्रुप किस तरह का होता है और अल्डिहाइडी ग्रुप किस तरह का होता है। मोनोसैकेराइड में या तो अल्डिहाइडी ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, और जिस वक्त आप लोगों के पास अल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने किसी भी सक्रोज का नाम लिखने के साथ लास्ट में आप लोगों ने अल्डोज का वर्ड यूज करना है, और अगर आप लोगों के पास कीटोन है तो उस कंडीशन में उसके लास्ट में कीटोज का वर्ड यूज करना है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ इसको कुछ एग्जांपल साथ में दी हुई है। इसके लास्ट में आप लोगों ने अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल्डोज का वर्ड यूज करना है, अगर आप लोगों के पास कार्बोनाइल ग्रुप है तो उस कंडीशन में कीटोज का वर्ड यूज करना है, और शुगर मॉलिक्यूल के लिए हम ओ एन ई ओन का वर्ड यूज करते हैं जब भी उसका नाम लिखते हैं उस कंडीशन में। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, जिस तरह आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जिस वक्त ऐसी स्ट्रक्चर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और एटम्स के साथ कनेक्टिविटी भी सेम हो, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो है एनवायरनमेंट में, सॉरी स्पेस में, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में उन स्ट्रक्चर्स को हम एनेंचियोमर्स कहते हैं। और इसके साथ आप लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था एनोमर्स, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जिस वक्त ऐसे अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जिसमें साइक्लाइजेशन होती है, और साइक्लाइजेशन के बाद ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है, उसमें या तो OH ग्रुप बिलो द प्लेन होता है या OH ग्रुप अबव द प्लेन होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम एनोमर्स कहते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स में हासिल होती है। एनोमर्स की स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के पास
कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर में हासिल होती है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर में ही साइक्लाइजेशन होती है, और जिस वक्त साइक्लाइजेशन होती है उसके बाद आप लोगों के पास ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है और ये जो कीटोनिक ग्रुप में है इसमें इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोगों के पास ये OH ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप से जो OH का जो ग्रुप कन्वर्ट होता है वो बिलो द प्लेन भी हो सकता है, अबव द प्लेन भी हो सकता है। इस तरह जो आप लोगों के पास दो स्ट्रक्चर हासिल होंगे जिसमें हाफ जो है बिलो द प्लेन होगा, हाफ में अबव द प्लेन होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एनोमर्स कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद है अगर आप लोगों के पास जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, अगर तीन कार्बन है तो आप लोग ट्राई का वर्ड यूज करते हो, अगर ज्यादा चार है तो कंडीशन में टेट्रा का वर्ड यूज करते हो, अगर पांच है तो पेंटो का वर्ड यूज करते हो। इसके लिए वो कहता है जब भी आप लोगों ने नाम लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स का तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उस कंडीशन में पहले एल्डिहाइड अल्डो ट्राई ओज लिख देना है। ट्राई तीन को इंडिकेट करेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो तीन है, और OSE का वर्ड जो है हम जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का अयूपेक नेम लिखते हैं तो उस कंडीशन में इसके लास्ट में OSE का वर्ड यूज करते हैं। सॉरी, जो आप लोगों के पास ऊपर ONE लिखा हुआ था वहां पर आप लोगों ने OSE यूज करना है, यहाँ पर आप लोगों ने OSE यूज करना है कि जब भी आप लोग इसका नाम लिखते हो तो उस कंडीशन में इसके लास्ट में OSE का वर्ड यूज करते हो, और जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनके लिए आप लोगों ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा जो आप लोगों के केमिस्ट्री में काउंटिंग है वो वर्ड आप लोगों ने यूज करना है। और इसके साथ स्टार्टिंग में आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइडिक होगा या कीटोनिक होगा उसको आप लोगों ने यूज करना है। अगर अल्डिहाइडिक है तो उस कंडीशन में अल्डी ट्राई ओज हो जाएगा, अगर कीटोन है तो कीटो ट्राई ओज हो जाएगा, अगर चार कार्बन है तो उस कंडीशन में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डी टेट्रा ओज हो जाएगा, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उस कंडीशन में इसका नाम जो है कीटो टेट्रा ओज हो जाएगा। टेट्रा चार कार्बन के लिए, OSE जब भी हम मोनोसैकेराइड का नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में OSE का वर्ड यूज करते हैं, और स्टार्टिंग में आप लोग फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हो जो या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या आप लोगों के पास कीटोनिक ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप है तो उस कंडीशन में आप लोग अल्डो का वर्ड यूज करते हो, अगर आप लोगों के पास कीटोनिक ग्रुप है तो उस कंडीशन में आप लोग स्टार्टिंग में कीटो का वर्ड यूज करते हो। ये साथ में एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो चार है, फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास जो है वो एल्डिहाइड है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्टार्टिंग में अल्डो फंक्शनल ग्रुप का नाम आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जो है चार हैं तो चार के लिए हम टेट्रो यूज करते हैं तो उस कंडीशन में टेट्रो आ गया है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का नाम जिस वक्त हम लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम ओज का वर्ड यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका नाम जो बनता है यूपेक नेम जो बनता है वो अल्डो टेट्रा ओज बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी लिखनी है, और तीसरे नंबर पर आप लोगों ने OSE का वर्ड लास्ट में यूज करना है। सर, ये मोनोसैकेराइड में कम से कम कितने कार्बन होते हैं और मैक्सिमम कितने कार्बन होते हैं? मिनिमम ये ट्राइओज 3 कार्बन और मैक्सिमम कितने होते हैं? 3 से लेकर 9 तक होते हैं मोस्टली, मिनिमम जो है वो 3 हो सकते हैं, 3 से 9 तक हो सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं, ओके सर। इसके बाद ये वही चीज मैंने जो आप लोगों को बता दी है कि इसकी साइक्लाइजेशन होती है और उस कंडीशन में ये साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर OH ग्रुप ऊपर अबव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है, उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होती है उनको हम एनोमर्स कहते हैं कि ये एक दूसरे के एनोमर्स है जिसमें 50% चांस है कि आप लोगों के पास OH ग्रुप अबव द प्लेन आया, 50% चांस है वो बिलो द प्लेन आया, और इस कंडीशन में ये वाला जो OH ग्रुप है इसमें से ऑक्सीजन जो है लोन पेयर के जरिए इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, जिस वक्त ये इस पर अटैक करता है कंडीशन में इस पर प्लस चार्ज आ जाता है और ये पाई बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है,
उसके बाद इसमें से जिस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आया था वो अपने पास से हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज कर देता है और सिग्मा बॉन्ड को खुद गेन कर लेता है, और वो प्रोटॉन एच प्लस आयन जो है इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया था उसके साथ बॉन्ड बनाकर ओ एच ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ग्रुप जो है अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है ओ एच ग्रुप में, ये आप लोगों के पास जो ओ एच ग्रुप बन रहा है, और इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये ओ एच ग्रुप अबव द प्लेन भी बन सकता है, बिलो द प्लेन भी बन सकता है, और इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास हासिल होता है इन स्ट्रक्चर को आपस में एक दूसरे के एनोमल्स कहते हैं। सर आप एल्डो ऑक्टेज या नोनेज की एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 8 या 9 कार्बन हो? आप नेट पर लिखोगे तो उस कंडीशन में आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी। सर आपके पास नहीं है इस वक्त? नहीं, स्लाइड में अभी नहीं है। इसके बाद है कि आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पॉइंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स किस तरह के होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कि एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। इसके साथ है कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर कहते हो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जस्ट एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास दो स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन की क्वांटिटी भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी सेम है, जस्ट एटम्स की दूसरे एटम के साथ कनेक्टिविटी डिफरेंट है। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके बाद ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसमें जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन वो वाला कार्बन जो है फर्स्ट साइड से भी कार्बन के साथ अटैच है और सेकंड साइड से भी कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि इसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन की क्वान्टिटी सेम है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसके बाद दूसरी है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड जो होते हैं जिसमें, या ये कह सकते हो एनेंशियोमर्स जो है वो स्टीरियो आइसोमर की टाइप है, जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होती है, जस्ट उनकी स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस कंडीशन में ये जो कार्बन है इसमें OH ग्रुप ये वाला, यह हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ जो है CH2OH ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप है। जिस वक्त इसको हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है, एक CH2OH ग्रुप अटैच है और एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जिस वक्त आप लोग चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन के साथ OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर है और हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पर है। जिस वक्त इसकी चेक करते हैं तो कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर है और OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर है, जस्ट स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, बाकी कनेक्टिविटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है और ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं, जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी सेम हो, जस्ट स्पेस के अंदर उसकी अरेंजमेंट जो काइरल कार्बन है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उनको हम कहते हैं ये एनेंशियोमर्स। इसके बाद काइरल कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जो फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या एटम्स के साथ अटैच हो, उनको हम कहते हैं काइरल कार्बन या काइरल सेंटर। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है उसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और दूसरी जो है फोर्थ जो है वो CH2OH ग्रुप अटैच है। अब इस कार्बन के साथ ये वाली जो चीजें चार अटैच हैं वो चारों के चारों डिफरेंट हैं, इस तरह के कार्बन को हम कहते हैं काइरल कार्बन, और ये वाले काइरल कार्बन जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एनोमर्स होते हैं, और एनोमर्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास इस कंडीशन में एसाइक्लिक फॉर्म जो है साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से इसमें इक्वल प्रोपोर्शन होता है कि ये OH ग्रुप जो है अबव द प्लेन भी जा सकता है और OH ग्रुप जो है बिलो द प्लेन भी जा सकता है। और इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होती हैं उनको हम एक दूसरे के एनोमर्स कहते हैं। इसमें ये OH ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाला OH ग्रुप जो बनता है इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये प्लेन के अबव भी आ सकता है और बिलो भी आ सकता है। इन्होंने एपिमर्स का वर्ड यूज किया हुआ है, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, ये क्या है? एनोमर डिफरेंट चीज है, एपिमर डिफरेंट चीज है। एनोमर ये है कि जिस वक्त ये आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर हासिल हो रही है ये आप लोगों के पास एनोमर, और एपिमर ये होता है कि ये वाले जो काइरल कार्बन है आप लोगों के पास मौजूद हैं, एक से ज्यादा कार्बन है, ये कार्बन जो है इसके साथ जिस वक्त हम चेक करते हैं तो फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, इस कार्बन को चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इसके साथ फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, ये कार्बन इसको चेक करते हैं तो इस कंडीशन में इसके साथ में जो फंक्शनल ग्रुप फोर हैं वो डिफरेंट अटैच हैं। इस कंडीशन में अगर हम किसी एक या दो काइरल कार्बन की जो फिजिकल ये जो अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दें और बाकी को एज इट इज रहने दें, यानी कि ये OH ग्रुप जो है वो इधर आ जाए और ये हाइड्रोजन इधर आ जाए, बाकी की कनेक्टिविटी सेम हो, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट इसकी सेम हो, तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होती है उसको हम एपिमर्स कहते हैं। अब ये काइरल कार्बन, दो काइरल कार्बन, तीन काइरल कार्बन, चार काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, और उस कंडीशन में आप लोग एक या दो टोटल काइरल कार्बन की नहीं, सिर्फ उसमें से एक काइरल कार्बन की या एक से ज्यादा की ये जो अरेंजमेंट है, एटम्स की अरेंजमेंट है स्पेस के साथ, स्पेस के अंदर, उसको चेंज कर दो, तो उसके बाद जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होती है उनको हम कहते हैं एपिमर। अगर आप टोटल काइरल कार्बन की अरेंजमेंट चेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनेंशियोमर बनता है, और अगर आप लोग इन काइरल कार्बन जो आप लोगों के पास एक दो तीन चार, चार काइरल कार्बन है, अगर इन चारों काइरल कार्बन के OH ग्रुप जो है इधर से इधर कर देते हो और हाइड्रोजन को इधर से इधर कर देते हो, टोटल काइरल एटम्स की इस तरह अरेंजमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है ये एनेंशियोमर बनता है। अगर आप लोग चारों में से किसी दो का, किसी तीन का या किसी एक काइरल कार्बन के ये जो एटम अटैच हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, उनकी जस्ट अरेंजमेंट को चेंज करते हो और बाकी को इसी तरह रखते हो, तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर हासिल होगी उसको हम एपिमर कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा जो है डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड में जस्ट आप लोगों ने इसकी एग्जांपल जो है वो याद करनी है, इसके अलावा आप लोगों ने डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड में से आप लोगों ने मजीद याद नहीं करना। मोनोसैक्राइड के लिए आप लोगों ने इसका नाम याद करना है, नॉमनक्लेचर आप लोगों ने किस तरह लिखना है, नाम इसके साथ उनकी एग्जाम्पल डाइसैक्राइड और लिकोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड में जस्ट आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल जो है वो याद करने हैं, इसके बाद और मजीद इसमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे रिलेटेड मजीद चीज़ें जो हैं आप लोग इसमें बायो केमिस्ट जो बायो का जो आप लोगों का कोर्स है उसमें आप लोगों ने पढ़ लेना। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिपिड्स, लिपिड्स फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर, लिपिड्स, लिपिड्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे? जी सर, यस सर, काफी टाइम हो गया, टाइम काफी हो गया, चलें ठीक है।
और ये याद रखना आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर को, जिस तरह मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताता हूँ इसी तरह अगर आप लोग फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे, इस जो आप लोगों का असाइनमेंट है इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों की आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों का कोई इशू नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से ही स्टार्ट कर दिया और इस तरह किया है कि बस शुरू कर दें हम कर लेंगे उस कंडीशन में आप लोगों का असाइनमेंट में और जिस वक्त आप लोगों का फाइनल होगा उस कंडीशन में आप लोगों की मिस्टेक जो है वो ज़्यादा होंगी। इसी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करता हूँ कम अज़ कम आप लोग इसको डाउनलोड करके पॉइंट्स को फॉलो करो और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करो जो प्रैक्टिस के लिए है, उसके बाद उसको जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी फैसिलिटेट कर दें कि आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर दें और उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दें ताकि आप लोग इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन सकते हो आसानी से और उसी वक्त आप लोग इसको नोट करके जो भी पॉइंट्स इसमें आप लोगों को डाउट होता है जिस वक्त आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग आसानी से इसको क्लियर कर दें।